हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज़ लर्निंग इज लाइफ। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, फूड के लिए प्लांट्स पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर फूड, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ्स। अब ये आपके जो एनिमल्स भी होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स में ऐसे एनिमल्स जो आपके ओनली हर्ब्स को ईट करते हैं, यानी कि हर्ब्स ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि काउ, रैबिट एसेट्रा। कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि आपके होते हैं टाइगर, लायन एसेट्रा। ओमनीवोर्स में ऐसे एनिमल्स जो आपके प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी, जैसे कि ह्यूमन एंड बियर। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स हैं, फोर टाइप्स के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है आपके सिलेबस में। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन उन एनिमल्स में है जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का डेड एंड डिकेइंग मैटर खाते हैं, जैसे कि आपके मेनली होता है इसमें फंजाई, फंजाई होता है और आपके सम बैक्टीरिया होते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके दो ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म तो दूसरे को हार्म पहुंचाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फायदा लेता है, इसमें आपके होस्ट और पैरासाइट दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसके एग्जांपल है आपका जैसे कस्किटा और आपका प्लाज्मोडियम इन एनिमल्स, कस्क्यूटा इन प्लांट्स। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में दो एनिमल्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिट्स में रहते हैं, म्यूचुअल रिलेशन बनाते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि लाइकेन्स, राइजोबियम, ये भी आपका क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। फोर्थ है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपका मेनली ह्यूमंस में होता है और सब एनिमल्स में भी, अदर एनिमल्स में भी होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, यानी सॉलिड फूड, फूड जिसमें पूरा का पूरा लिया जाता है, वो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन होलोजोइक एनिमल्स, देयर आर फाइव स्टेप्स इन दिस प्रोसेस। नंबर वन, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। ये जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका आता है, ये सिक्वेंस बदल के दे देते हैं और आपको सिक्वेंस में लगाना होता है, तो आपको ये इसी सिक्वेंस में लर्न करना है। नंबर वन पे इंगेशन, नंबर टू पे डाइजेशन, नंबर थ्री एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर नंबर फाइव इगेशन। इंगेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, फूड को जैसे ईटिंग हैबिट जो होती है वो आपकी इंगेशन कहलाती है। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, लार्ज इनसॉल्युबल फूड को सॉल्युबल में चेंज कर देता है, स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। एब्जॉर्प्शन में, अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस क्या होती है, एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि इंटरनल वॉल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में ये डाल दिया जाता है एब्जॉर्ब फूड। एसिमिलेशन, यानी कि जो हमारा फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, अब उसको वो बॉडी सेल्स कैसे यूज करती हैं और उससे वो कैसे एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करती है, पूरा एसिमिलेशन के अंदर आता है। इगेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जिसकी हमारी बॉडी में अब जरूरत नहीं है वो बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस इगेशन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है होलोजोइक न्यूट्रिशन का आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस इन केस ऑफ अमीबा, बिकॉज अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
और फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फीडिंग, सेल फीडिंग, क्योंकि ये पूरी की पूरी सेल को फीड करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस। इंग्लिशन में क्या होता है, अमीबा आपको पता है इरेगुलर शेप का होता है, और इसकी ये स्यूडोपोडिया होती है जो चेंज करते रहती है। स्यूडोपोडिया धीरे धीरे क्या होते हैं, फूड, मान लो ये फूड फूड पार्टिकल है, और ये फूड पार्टिकल के चारों तरफ स्यूडोपोडिया आपके आ जाते हैं, इसमें इसको घेर लेते हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब फॉल्स फीट, तो ये चेंज होते रहते हैं और ये इसको घेर लेते हैं। घेरने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये आपस में मिल जाता है और जो आपका फूड पार्टिकल है वो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर आ जाता है। फिर इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन में जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, वो इसके पास आकर डाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टेड हो जाता है, एंजाइम्स इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। फिर वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है डिफ्यूजन से। एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें एसिमिलेशन हो जाता है, साथ ही साथ उसका जहां जहां यूज है वो यूज कर लेता है, साइज में बड़ा हो जाता है, एनर्जी मिल जाती है अमीबा को। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं उसको वो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इगेशन।